press the bell icon on the YouTube app and never miss a video from us. सर मैं अभी क्वेश्चन नहीं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ लाइक हाउ मेरा परसेप्शन चेंज हुआ जब आपकी अपकमिंग मूवीज आ रही थी फेसबुक पे अपडेट देख रहा था मैं कि अक्षय कुमार की एक टॉयलेट आ रही है पैडमैन आ रही है तो मैं तो ओके तो मैंने सोचा कि ये अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं यार लाइक क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं ऐसे क्या फिल्म ला रहे मतलब एक्शन मूवीज पे कॉन्सेंट्रेट करे अच्छा सा 200-300 कमाए करोड़ और मजे करे लेकिन सर आपकी जब टॉयलेट एक प्रेम कथा जो हिट हुई जो हमने घर पे ही देखी थी टीवी पे थिएटर में तो नहीं देखी आई एम सॉरी सर बहुत बढ़िया फिल्म थी ये इस तरह से मेरा परसेप्शन चेंज हुआ और मैं बोलता हूँ सर ये आपकी हिट जाएगी और बाकी रोबोट तो आ ही रही है उसका तो 300 करोड़ खर्चा है तो 500-600 तो जाएगी थैंक यू सर पर एक बहुत वैलिड सवाल पूछा है ये वो टाइम है एक जनाब आपको एक बात बताऊं मेरी फिल्म पहले हिट हो गई है पैडमैन क्यों बताता हूं मैं ये नहीं देख रहा कि इस फिल्म का बिजनेस कितना होगा जैसे आप बोल रहे हो 100-200-300 इट डजंट मैटर यू नो दैट डजंट मैटर फॉर मी द बिगेस्ट थिंग वाज यू नो व्हाट कि मैंने थोड़े दिन पहले मैं अपने वैन में बैठा हुआ था वैन के बाहर कुछ 4-5 लड़के एक लड़का बोला यार वो पैडमैन का ट्रेलर देखा तूने हाँ यार देखा यार वो सैनिटरी पैड कैसे पहन रहा है वो हैं वो सैनिटरी पैड ये तो बेसिकली मैं उसी दिन सोच लिया था कि आज 5 लड़के खड़े होके सैनिटरी पैड डिस्कस कर रहे हैं उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए ये देखना नहीं है कि इसमें कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है बस ये जरूरी है कि जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ अपने सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट सैनिटरी पैड एंड When has it ever happened that people talk about sanitary pad openly? But this country today is discussing about sanitary pad, and that is my film's victory.